सामने से 10 नंबर से गाड़ी आती है तो ना तो उसमें ड्राइवर दिखता है। अच्छा। वो सीधी वो गाड़ी मतलब हम लोगों के ऊपर ही आती है, उसमें ड्राइवर दिख ही नहीं रहा है। मेरा पति चला गया, मेरा लड़का चला गया, हम क्या करें, हम क्या खाएं, छोटी सी बच्ची है, बताओ हम किसके सहारे जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे, कौन कमाएगा हमको। केजरीवाल साहब, अगर कोई पुलिसकर्मी बहादुरी का शिकार हो जाता है, शहीद होता है, तो उसको 1 करोड़ रुपए देते हैं। सरकारी मुलाजिम है, ये भी सरकारी काम कर रहे थे। इन परिवार के लोगों को क्यों नहीं मुआवजा देने के लिए आज सरकार यहाँ आई? अब ये कहते हैं मिट्टी ले जाओ, घर में खाने को नहीं है, मिट्टी ले जाके हम क्या करेंगे बताओ, हमें कैसे हम अपने आदमी को लगाएंगे, कैसे बच्चन को खिलाएंगे। कह रहे हैं यहाँ से हटो पागल लोग, यहाँ आ गए हैं किस लिए आए हैं, जो होना होगा हो जाएगा, यहाँ कोई सुनाई नहीं हो। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पहली नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में मौजूद हूँ। सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आपको यकीनन विचलित कर सकती हैं। ये ट्रक आप देखिए, MCD का ट्रक है। इस ट्रक के पलटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। वो 4 लोग कौन थे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी देते कि वो 4 जो लोग थे वो यहाँ पर PWD का कार्य ही कर रहे थे। ये हादसा रात के 1 बजे का बताया जा रहा है, जब ये भारी भरकम सा ट्रक पलट गया जिसकी चपेट में आने से 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ज़्यादा जानकारी के लिए उन लोगों के परिवार से जुड़ेंगे, आपको बताएंगे कि हादसा कैसे हुआ, ड्राइवर के क्या कुछ हालात फिलहाल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी आपको नज़र आएगी, देखिए कि पूरी गाड़ी यहाँ पर क्षतिग्रस्त है। पुलिस की टीमें मौजूद है, तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरा मामला इनकी जुबानी सुनाएंगे, देखते रहिए तेज तरार। क्या हुआ था? ट्रक से दोनों बाप बेटा को चल गए। कौन सा ट्रक था कुछ पता है? MCD वाला डंपर था, कचड़ा वाला, कूड़ा डालने वाली। हाँ, इधर खड़ी हुई है आगे। ड्राइवर कहाँ है? उस ड्राइवर रात से फरार है। हाँ। कितने बजे का हादसा है? 1 बजे के बीच का। 1 बजे का। हाँ, इनका पति बेटा, 5 साल का बेटा है, पति है, और इनके गांव का 2 लोग मियां बीवी, उनका 3 बच्चा वो गांव में है सर। ना इनको बॉडी का पता है, ना इनका कोई सुनवाई हो रहा है। चौकी में सुबह से बैठे हुए हैं, भगा दिए और गाली दिए हैं इन लोगों को, हम मजदूर को। कंप्लेन कराई है आपने कोई? गए थे हम, नहीं गए थे। किया है कहाँ पर की? ये कई बजे रात से किए हैं, ये कई बजे रात के ले गया है लाश, ना हमारी कुछ नहीं सुनाई दी है। अच्छा, वो जो गाड़ी थी कूड़े की गाड़ी जैसा बता रहे, ज्यादा स्पीड में चल रही थी? वो ड्राइवर यहाँ था ना, स्पीड में छोड़ कर हमसे एक एक करके बताइए। भाई मेरा खत्म हुआ है। हाँ जी मैम, ऐसा था उधर से आया ट्रक, ड्राइवर तो बीच में कूद गया मैम, ड्राइवर बीच में कूद गया, मैं नहीं पता ड्राइवर नहीं आया इधर। पहले ट्रक आया उस दुकान में जो टूटी पड़ी है दुकान, वहाँ पे वो छज्जा उसमें लगा, फिर वहाँ उसमें लगने के बाद वो सीधा ऐसे पलट गया इधर आके। यहाँ काम चल रहा था, यहाँ 14 मजदूर काम चल रहे थे, हमारे भाई लोग भी यहीं पे खड़े थे और एक छोटा बच्चा भी था, तो वो ट्रक उनके ऊपर गिर गया, 4 बंदे दब गए उसके नीचे। हाँ जी, कौन कौन थे, नाम जानते हैं? हाँ जी, छोटे बच्चे का अनुज नाम था और बड़े का था ओम महावीर, हरिओम, हरिओम नाम था जी, और 2 बंदे और थे। चला रहे थे गाड़ी, दारू को कैसे पता? हम तो इनको देखे जब ये उतर करके जो भागा ना, जब ये गाड़ी छोड़ करके, तब ये देखे जो है जो दारू पी करके गाड़ी चला। ड्राइवर को भी चोट लगी है? नहीं, भाग गया। वो दिखा ही नहीं है किसी को, तो क्या पता है कि वही लेकर आता था गाड़ी कूड़े के इसे इधर से आया। अभी पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? कुछ नहीं, एक्शन लिया है अभी कुछ नहीं लिया। उधर से ड्राइवर नहीं आया, सिर्फ ट्रक आया, ड्राइवर नहीं था उसमें, सिर्फ ट्रक आया। ड्राइवर पता नहीं वहाँ ऊपर उसने खड़ी कर रखी थी गाड़ी, या तो ब्रेक फेल हो गया, कुछ भी हो गया, वो कूद गया वहाँ से, ये नहीं पता। सिर्फ ट्रक आया, उसमें ड्राइवर आया कोई भी नहीं था, पहले ही कूद गया था वो बीच रस्ते में ही। अभी पुलिस ने पकड़ पाया ड्राइवर को या नहीं? नहीं, अभी नहीं पकड़ा है। आप लोगों ने पूरा रोड जाम कर रखा है, इसकी वजह यही है? हाँ जी, पुलिस काम नहीं कर रही। सुबह से मैम हम रात से 1 बजे से ये बैठी हैं, अभी हम दूर से आए हैं। सुबह मेरी मौसी का लड़का था। क्या नाम है? मेरा नाम मोतीलाल है। आप भी यहीं पे काम कर रहे हैं? हाँ जी। कितने समय से? 2 महीने हो गए आज, 25। हाँ जी। क्या हुआ था, क्योंकि आप चश्मदीद हैं, आपको खुद भी चोट लगी है, क्या हुआ था एग्जैक्ट बताइए। मैम के हमारे 11 बजे से हम काम, 10:30 बजे से काम शुरू करते हैं, रात में परमिशन है हमारे पास 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक,
तो हमने 11 बजे से काम शुरू करा तो हमारा 12:30-1 तक हमारा एक महीने का वो 2800 डंबल लग गया। इसके बाद थोड़ा माल ख़त्म हुआ तो हम अपने बैगी गेटा सारे सब लगा रखे थे तो रोड से बगल में रखा है माल, वहाँ से उठाना चालू करा तो हम 14 आदमी थे, 2 बच्चे थे टोटल जो काम कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी, तो बच्चे एक बैठे थे, मतलब जो उसके छोटे बच्चे थे तो वो वहाँ छोड़ के नहीं आया मैडम, तो साथ में लेके आया था 2 बच्चों को। तो कुछ आदमी इधर लाइट, कुछ लेफ्ट, और बाकी ये 4-5 आदमी लगा रहे थे अंदर, 6 आदमी, और मैं सामने लाइट से अपना ट्रैफिक निकाल रहा था। सामने से 10 नंबर से गाड़ी आती है तो ना तो उसमें ड्राइवर दिखता है। अच्छा। वो सीधी वो गाड़ी मतलब हम लोगों के ऊपर ही आती है मैडम, बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है, गाड़ी उसमें ड्राइवर दिख ही नहीं रहा है, और सीधी जब गाड़ी आती है तो मकान में सीधी घलती है, ये जो सामने मकान में टक्कर होती है। हाँ, तो हम लोग आवाज तो भागे, तो जितने भाग पाए मैडम तो हम लोग भागे हैं, बाकी के 5 आदमी में हम भी थे उसी में, तो 4 आदमी उसके नीचे पड़ गए, 1 बच्चा और 2 फैमिली वाले, 3 आदमी, और 5वां मैं था। तो मैं यहाँ से दबा था तो मेरे को तो खींच लिया, मेरा चेहरा दिख रहा था, और बाकी के वो मैडम उसी के नीचे दब गए स्पॉट पे, वो ख़त्म। अभी कोई अधिकारी आया आप लोगों से बात करने, कोई मदद करी? नहीं आया है, रात में जैसे एक पुलिस वाले आए थे, मेरे को हो गया होश हो गया था, निकाल के हमारी लेबर ने हॉस्पिटल भेज दिया, उन्होंने दवाई करवा दी, बाकी लाश भी हमारी लेबर ने खींची है। कोई जानकारी दी अब तक के गिरफ्तार हुआ है आरोपी? अभी कोई मैडम कोई पता नहीं आया, यहाँ कम से कम 10 बजे के बैठे हैं सारे, सब कोई जानकारी कोई पता। पुलिस कोऑपरेट कर रही है आप लोगों के साथ? अब पुलिस तो कोऑपरेट कर रही है, उन्होंने रात में भेज दिया था, चलो बॉडी भी ले गई तो ये कोऑपरेट तो करा, लेकिन बाकी का तो कुछ पता ही नहीं कि सर क्या हुआ। लेकिन आपके साथ के ही लोग कह रहे, पुलिस कह रहे 2 साल बाद डेड बॉडीज ले जाइएगा। नहीं तो मैडम बॉडी अब जैसे मान लो घर वाले जिसके घर उजड़ गए हैं तो वो नहीं जा रहे, बॉडी लेके क्या करेंगे, कम से कम दिल्ली सरकार से कुछ हो चाहते हैं, मान लो कि हम मजदूर। आपकी क्या मांग है सरकार से? ये मांग है कि मान लो हमारी जो मजदूर, जैसे हम लोग 14 आदमी हैं, जो वो लोग बोलेंगे 13 आदमी तो 14वां मैं होगा मैडम, तो उनके साथ हैं हम लोग, अब वो लेबर वाले क्या बताते हैं तो उनके साथ ही चलना मेरे को भी पड़ेगा। क्या वो मांग है? वो कह रहे हैं बॉडी हम लेने नहीं जाएंगे यहाँ, हम दिल्ली सरकार को बुलाएंगे जो भी, तो हमारा कोई ऐसा होना चाहिए कि जैसे जिनके घर उजड़ गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो उनको कौन पालन पोषण करेगा? इनकी वजह लगता यह है, आप मैडम ये महिला है, इनके मतलब के बच्चे हैं 3 बच्चे हैं जिनके माँ बाप दोनों एक्सपायर, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? वो महिला उसका हस्बैंड एक्सपायर, छोटा बच्चा एक, वो लेके कहाँ जाएगा? केजरीवाल साहब अगर कोई पुलिसकर्मी बहादुरी का शिकार हो जाता है, शहीद होता है, तो उसको 1 करोड़ रुपए देते हैं, सरकारी मुलाजिम है, ये भी सरकारी काम कर रहे थे, इन परिवार के लोगों को क्यों नहीं मुआवजा देने के लिए आज सरकार यहाँ आई? ये गरीबों का शोषण करने के लिए केवल सत्ता में बैठ के आनंद ले रहे हैं क्या? ये PWD का काम चल रहा था, सरकारी फंड यहाँ पर लग रहा है, सरकार का काम हो रहा है, 1-1 करोड़ रुपए जितने लोग मरे उनको सरकार आके दे, और कोई MCD का अधिकारी अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया, बच्चों का जो है कि ठीक है एक्सीडेंट हुआ है ना, बॉडी आप बिना पोस्टमार्टम के भी दे सकते हैं, तमाम बॉडियां ऐसे बिना पोस्टमार्टम के मिल जा सकती हैं, तो इन बच्चों के जो है कि जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करके ही दोगे? MP तक लाश जानी है, बदबू करते हुए लाश घर तक जाएगी कि नहीं? वो भी ऐसा नहीं कि अगर किसी की MCD दिल्ली सरकार की गाड़ी थी, अभी तक ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, MCD के अधिकारियों को भी गिरफ्तार करना चाहिए, किसके अंडर में ये गाड़ी थी, ऐसी गाड़ी रोड पे क्यों चला रहे जिसमें ब्रेक ना हो, ओवरलोड कचरा भरते हैं वो। आप कब से कर रहे थे यहाँ पर काम? 3 महीने से कुछ नहीं हुआ, आज मेरे लोग रात में सो रहे थे, काम कर रहे थे ट्रेन का, रात में काम कर रहे थे, रोड पे ही लग रही ट्रेन, ये वाली ट्रेन लगा रहे थे यहाँ पर रात में, वहाँ से आया कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग नहीं भाग पाए, मेरा पति चला गया, मेरा लड़का चला गया, हम क्या करें, हम क्या खाएं, छोटी सी बच्ची है, बताओ किसके सहारे जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे, कौन कमाएगा हमको, ना हमारा बच्चा का पता, ना हमारे आदमी का पता, हमारे गांव से अभी कोई नहीं आया, बॉडी भी नहीं दी अभी, प्लस वाले बोल रहे थे यहाँ क्यों आ गए आप लोग, इसको लेके क्यों आ गए इधर पे, वहीं जाओ जहाँ बॉडी है, पुलिस वाले बोल रहे थे हम गए थे थाने में,
क्या नाम है? नहीं चलेगी रानी, हमें मारा जाता तो उसको एक करोड़ रानी। इस एक्सीडेंट में आपका भी कोई किसी के डेथ? हमारा पति घायल पड़ा सर, दोनों पैर टूटे पड़े, कहाँ है? यहाँ पेड़ के पास में डरे, अस्पताल में लेके गए, चार आदमी यही स्पॉट में खत्म हो गए। इसकी एक पत्नी है, इसकी एक बेटी है, इसका पति और बेटा खत्म हो गया, जो दोनों मिंगा बीवी खत्म हो गया। उसकी दो बेटियां, एक बेटा है, उनका कौन है बताओ? अब ये कहते हैं मिट्टी ले जाओ, घर में खाने को मिट्टी ले जाके हम क्या करेंगे बताओ? गाँव में कैसे हम अपने आदमी को लगाएंगे, कैसे बच्चन को खिलाएंगे, कैसे बच्चन को? हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है आपके पति का? यहाँ हॉस्पिटल से यहाँ लिया, इस पेड़ के पास में पड़े। एक करोड़ रुपया मिलता है आज के डेट में। आज PWD का काम कर रहा था एक मजदूर, जो है मजदूर मरा है, कितने रुपया का घोषणा कर रहा है हमारे केजरीवाल जी। इस चीज को हम पब्लिक जानने के लिए चाहते हैं। आपको ट्रक की हालत एक बार दिखाते हैं, आप देखें कि कितनी जोरदार ये टक्कर रही होगी, जिस हिसाब से ट्रक के आगे का जो हिस्सा है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। भाई साहब थोड़ा सा हटिए, एक बार इस साइड आएंगे आप तो नजर आएगा, क्योंकि लोगों ने बताया कि पूरा ये ट्रक पलट गया था, जिसकी चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कुछ लोग जख्मी भी बताए जा रहे। इस तरफ अभी भी आपको खून के निशान यहाँ पर नजर आए। तो ये देखिए, आपको गाड़ी का नंबर भी दिखा देते हैं, DL1GB8460, ये इस गाड़ी का नंबर है। MCD की गाड़ी बताई जा रही है, कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आया करती थी। आप देख लीजिए कि MCD की गाड़ी है, जो लोग घायल हुए हैं वो भी PWD का ही काम कर रहे थे। MCD का ड्राइवर था, उसकी क्यों नहीं पकड़ की, उसकी कोई क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है सर? उसका क्या, उसका तो आप तो कुछ नहीं कर पाए करेंगे। हमारा तो घर का घर उजड़ गया, हमारे बच्चों का कौन है ये बताइए आप? कौन है? कोई किसी का नहीं होता आज के जमाने में। दो चार हमें देवरानी जिठानी दो चार साल खिला पिला देंगे, फिर तो कोई किसी का नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, अपने भी देखेंगे, उसको देखेंगे, क्या करेंगे बताओ आप ही। क्या मांग, क्या मांग, क्या है? हमें इंसाफ चाहिए, तभी हम यहाँ से हटेंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा, वरना जान हम यही दे देंगे सारे के सारे। आपके तौर पर क्या चाहती? अब हम नहीं जानते, हमारे जेठे बड़े आदमी जानेंगे। क्या आसपास मौजूद लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पहले उस ट्रक की टक्कर यहाँ पर होती है, एक पिलर लगा होता है जो पूरा गिर जाता है, पूरी जो दुकान है वो क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। इसके बाद लोगों का कहना है कि यहाँ से वो ट्रक आगे जाता है और वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे वहाँ पर जाकर वो ट्रक पलट जाता है, जिसकी वजह से चार लोगों की जो मौत का हादसा इस वक्त हमारे सामने आया है वो इसी वजह से आया है। और लोगों ने ये भी कहा कि जो ड्राइवर है वो उस वक्त ट्रक में नहीं था, क्योंकि ड्राइवर की ना ही डेड बॉडी मिली है, जिस हिसाब से आपने देखा कि ट्रक क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पर ना ही ड्राइवर था। लोगों का कहना है कि ड्राइवर जब यहाँ पर टक्कर हुई उसी वक्त कूद के यहाँ से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है, जैसा कि परिजनों ने हमें बताया कि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। हालाँकि मृतकों के परिवार का यही कहना है कि उन्हें कम से कम 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा चाहिए दिल्ली सरकार का, क्योंकि जो ये ट्रक था वो भी MCD का बताया जा रहा है, NDMC का बताया जा रहा है। इसके अलावा जिस जगह पर ये लोग काम कर रहे थे, 3 महीने से ये लोग काम कर रहे हैं, वो काम भी PWD के अंतर्गत आता है। इसी वजह से ये लोग चाहते हैं कि जो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो इन लोगों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा दे। एक जानकारी और दे दें कि यहाँ के लोगों ने बताया कि अब तक सरकार की तरफ से ना ही MCD की तरफ से, ना ही किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी व्यक्ति इन लोगों से अभी तक मिलने के लिए आया है। इन लोगों का यही कहना है कि बस इन्हें मुआवजा चाहिए, ताकि जिन भी लोगों की डेथ हुई है उनके जो बच्चे उनके पीछे से रह गए, उनका जो पालन पोषण है वो ठीक तरीके से हो सके। पूरे मामले को लेकर अपनी राय कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।